Our mission is to find and return the princess. Tomorrow! Are you ready? Not at all. Ready? हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिलसोन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शंस जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट, एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट, एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक पचासी से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बिग किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा फिल्म्स, हैट हरी थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर 200 मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स, फिल्म्स, पिक्चर्स, बैड थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की लगभग पचासी से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को लैम के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड लीजेंडरी हरी फिल्म जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स, फिल्म्स, पिक्चर्स, बैड हरी की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द फ्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिलसोन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा फिल्म्स, हैट हरी थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द जाइंट किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड हरी प्रोडक्शंस जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड हरी जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्सिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गैस आज हम बात करेंगे जैक द फ्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो so गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटासी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लैम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक लेयर या जैक एंड लेयर या जैक किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन स्टैनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लेजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म बिग पिक्चर्स बैड हरी जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द फ्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शंस जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड लीजेंडरी हरी फिल्म जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेर लेम क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शंस प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शंस जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक पचासी से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स, पिक्चर्स, बैड थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स, पिक्चर्स, बैड थी जिसको हैं, पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक या जैक एंड लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल बैड हरी लीजेंडरी पिक्चर्सिजिनल फिल्मिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को लैम के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड हरी लीजेंडरी पिक्चर्सिजिनल फिल्मिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिलसोन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लेजेंडरी पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड हरी जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लैम के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड हरी लीजेंडरी पिक्चर्सिजिनल फिल्मिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिलसोन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स, पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म्स, बैड हरी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिलसोन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्सिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो so गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जायर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्सिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो so गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरियन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शंस जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शंस प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लैम के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स लीजेंडरी पिक्चर्स बैड किस हरी प्रोडक्शंस जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्सिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरियन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शंस जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम क्रिस्टोफर एम्स क्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शंस प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो so गाइस आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लैम के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शंस जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिन टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेम के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जाइंट फ्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हेड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म किड पिक्चर्स बैड हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट लेयर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा लीजेंडरी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म बिग किड पिक्चर्स प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर 200 मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक लेयर या जैक एंड लेयर या जैक द जाइंट किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा Pictures, Films, Pictures, जैसे की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आई पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जायर या जैक एंड द जायर या जैक द किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को लेम के क्रिस्टोफर एम्सक्यूरी एंड डैन सनी ने दिल्ली प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा

गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द स्लायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिलसोन स्टैनली ट्यूसी, लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द लेयर या जैक एंड लेयर या जैक द कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स, पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म्स, बैड हरी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिल्सन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्त बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द किलर, जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लेमके क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन सनी ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स बैड लीजेंडरी हरी प्रोडक्शंस जैसी प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस so आज हम बात करेंगे जैक द जायर मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2013 में आई हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इसकी लंबाई एक घंटा चौवन मिनट है और इसको सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है जिस फिल्म ने आईएमडी पे 6.3 की रेटिंग हासिल की है और इसको 70 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसकी ऑडियंस रिव्यू फोर पॉइंट फाइव मिली है जिसके डायरेक्टर है ब्रायन सिंगर और इस मूवी को एक मार्च दो हजार तेरह को इंडिया में रिलीज किया गया था जिसके स्टारिंग में निकोलस हॉल्ट एलिनोर टैमिलसोन स्टैनली ट्यूसी लैन मैनसन बिल नेगी एवन मैस ग्रेगोर जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिस फिल्म को साल 2013 में बनाया गया था और यह अमेरिकन की जबरदस्त मूवी है यानी कि जैक द जाइंट स्लेयर या जैक एंड द स्लेयर या जैक द जाइंट किलर जो कि बहुत ही शानदार नाम दिया गया है इस मूवी को और यह फैंटसी एडवेंचर मूवी है दोस्तों इसके रिटर्न को डेरिन लैम के क्रिस्टोफर एम्स एंड डैन ने प्रोडक्शन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म्स, बिग किड पिक्चर्स बैड हेट हरी प्रोडक्शन जैसी कंपनिया प्रोड्यूस की थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और इसको अमेरिका में बनाया गया इंग्लिश भाषा में और इस मूवी की बजट लगभग एक से लेकर दो मिलियन तक लगाई गई थी और इस मूवी ने एक मिलियन की कमाई करके एक एवरेज मूवी साबित हुई थी जिसे आप सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं